हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको एक खास जगह लेकर के चलते हैं, राजा राम किरण मार्ग की ढाई में, और जो कि एक प्रगतिशील किसान है। और आज हम आपको एक विशेष चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और आप चाहें तो राजा राम जी से ये सीख भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको समय निकालना होगा। और समय अगर आपके पास नहीं है तो कुछ एक अंश हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। राजा राम जी, सबसे पहले राजा राम जी के बारे में हम बता दें, हालांकि उनसे भी हम परिचय लेंगे, लेकिन राजा राम जी एक प्रगतिशील किसान है और इनोवेटिव किसान है। आप ये कह सकते हैं कि वो एक अपने घर में ही प्रयोगशाला बना करके रखे हुए हैं और प्रयोग नए नियमित रूप से नए प्रयोग करते रहते हैं। आप उन्हें किसानों के वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो आज क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, हमें क्या खास दिखाएंगे। राजा राम जी ने वैसे काफ़ी लिफाफों के अंदर ये पता नहीं क्या है, कुछ जड़ी बूटियाँ टाइप रखी हुई हैं, लेकिन हम इनके बारे में भी जानेंगे। जी, ये है राजा राम जी। और राजा राम जी, आज क्या बनाने वाले हैं आप? नमस्कार सभी, मैं अपने किसान भाइयों को नमस्कार करूँगा और राम राम सभी किसान भाइयों को आज मेरी राम राम। किसान भाइयों, आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाने के लिए जा रहे हैं और सिखाएंगे भी इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं इन पल न्यूज़ को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज इन्होंने एक ऐसी चीज़ के बारे के अंदर साझा की है और आप तक इस जो हमारी कहानी है आप तक पहुंचाएंगे। ये ट्राइकोडर्मा जो एक फंगस होती है और फंगस को रोकने वाली दवाई। किसान भाइयों, आपको मालूम होगा कि पिछले साल आपके देसी कपास या अमेरिकन कपास के अंदर काफ़ी विल्ट रोग आया, तो इस विल्ट रोग को रोकने के लिए एक ट्राइकोडर्मा नामक फफूंदी नाशक जेल जो है वो ही, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। राजा राम जी से एक बार फिर से जानते हैं। राजा राम जी, जो आगे का स्टेप है वो आप हमें बताएं कि कैसे इसकी शुरुआत करनी है और बिल्कुल महीन तरीके से, ताकि किसान भाई इसको अच्छे से समझ सकें। जी सर, आपका धन्यवाद। किसान भाइयों, सर मैं सबसे पहले तो यह कहूँगा कि हमें ट्राइकोडर्मा तैयार करने के लिए हमें सफ़ेद जवार की ज़रूरत होती है। जी, यह सफ़ेद जवार है और सफ़ेद जवार की ही ज़रूरत होती है। ट्राइकोडर्मा जो है ओनली जवार के ऊपर ही चलता है। अच्छा, जवार जवार पर ही ये जो एक प्रकार से फंगस है और जवार के ऊपर ही इसको रखा जा सकता है। हाँ सर जी, क्योंकि जवार जो है एक, इसको हम आपको मैं दिखाऊंगा जी, किसान इसको बनाए तो कैसे बनाए। जी किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक पॉलीथियन है। बिल्कुल, मैं आपको पॉलीथियन भी दिखाऊँगा, ये एक पॉलीथियन है। ओके, और पॉलीथियन को हमने एक बोतल नुमा तैयार कर दिया है, तैयार किया है, और तैयार करने के बाद अब आपको देखें कि हम इसके अंदर जवार डालेंगे। अंदर जो है लगभग 200 से 250 ग्राम तक जवार डाल सकती है, क्योंकि ये जो हमारा पॉलीथियन जो है, लिफाफा जो है, वो इसका आकार जो है इतना बड़ा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर पानी डालना है। ओके, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि पानी कितना डालना है आपको। जितना हमने जवार ली है
जितना हमारा जवार तक हमारा पोली ध्यान जो है जवार तक गया है, इतना ही हम इसके अंदर पानी रखेंगे। तो अब जवार जो है, जो हमारा पॉलीथियन है, इसको अब रुई, अच्छा रुई रुई इसके बीच में लगा दिया। हाँ, रुई जो है मैंने बीच में ली है ताकि इसका ढक्कन जो है सही ढंग से बन सके, वह इसके अंदर फंगस न जा सके जी, फंगस इससे प्रवेश नहीं करेगी कॉटन से। ठीक है, इससे इसको टाइट कर दिया। हाँ जी, इसको हम टाइट करके और अब इसको हम फ्रिज के इसके अंदर जो है हमारा प्रेशर कुकर, बिल्कुल प्रेशर कुकर अभी आप देख रहे हो मैंने इसके अंदर लगा रखा है, अभी चल रहा है हमारा प्रेशर कुकर। मैं अच्छा, ये सीटियों के आधार पे करेंगे आप? हाँ जी, सीटी के आधार पे, क्योंकि जवार जो है हमें इतना ही जलाना है जितनी हमें ज़रूरत है। कितनी सीटी यहाँ लगनी चाहिए? दो सीटी के बाद हम अब इसे प्रेशर, मैं गैस को बंद करने जा रहा हूँ, मैं इस गैस को मैंने अब ऑफ कर दिया है। ये दोस्तों सीटी लगने के बाद पूरी तरह से तैयार हो गया है और हमने सीटी निकाल दी है ताकि गैस जो है वो बाहर निकल जाए। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन देखिएगा इसमें जो जवार राजा राम जी ने डाली थी वो पूरी तरह से उबल चुकी है। कुछ मिक्सचर इन्होंने पहले से भी तैयार किया हुआ है तो उसमें आपको बताएंगे। ये देखिए, गुड। अच्छा राजाराम जी, ये पोलोथीन भी आपने अंदर डाल रखे हैं? हाँ, पोलोथीन जो है ये okay. जो मैंने आपके सामने पोलोथीन, वह इसके अंदर जो मैंने पानी डाला है जवार के अंदर जी, वो ही इसके अंदर रखा हुआ है। ओके okay. समेत पोलोथीन हम इसको तो पिघलेगा नहीं? ये नहीं, ये पिघलेगा नहीं। ओके okay. हाँ जी, ये पिघलेगा नहीं क्योंकि हमने प्रेशर कुकर के नीचे जो है थोड़ा पानी डाल रखा है। ओके okay, ठीक है, आप थोड़ा निकाल के दिखाएं। हाँ सर, तो ये देखिए किसान भाइयों, ये पानी, ये इसके अंदर ही जो है ज्वार उबल चुकी है। ये देखिए उसी पानी से जिसमें आपने बताया था राजा राम जी ने कि भी एक आधा पानी और आधा ज्वार जो है वो चाहिए, तो इस प्रेशर के जरिए ये पूरी तरह से उबल चुका है जितना इसको उबलना चाहिए। तो आगे का स्टेप देखते हैं जी। अच्छा, ये जो हमारा उबला हुआ जवार जो है जी, अभी किसान दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इस जवार को मैं लेके जाऊँगा। ओके, और ले जाने से पहले मैं आप किसान दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम जो है सेपरेट लेंथ द्वारा हम इसको फंगस को ख़त्म कर देते हैं ताकि ये इसमें सेपरेट होती है। हाँ जी सर, इसमें यह सेपरेट लैंप है और ओके, ये देखिए दोस्तों ये सेपरेट जो है जल चुकी है और इसमें बताया जा रहा है कि इसकी नीली रोशनी से जी फंगस जो बॉक्स के अंदर है वो सारी समाप्त हो जाएगी। ओके, और इसके बाद हमें इसे जो हमने जवार उबाली है ठीक है प्रेशर कुकर के अंदर वो इस बॉक्स में जाएगी। जाने के बाद इसके अंदर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा गौर से देखिए ध्यान से, यह है ट्राइकोडर्मा के स्कोर। ओके, स्कोर जो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसके अंदर जवार में छोड़ देंगे। ओके, हाँ जी सर, ये प्योर ट्राइकोडर्मा है? हाँ, ये प्योर ट्राइकोडर्मा जिसे हम जीवित जिंदा ट्राइकोडर्मा बोलते हैं वो स्कोर है। अब इनकी आगे जनरेशन जो है वो चलेगी। ओके, ये मेन है, ठीक है। हाँ, और इसको फिर आगे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हाँ जी सर,
सर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब इस बॉक्स को मैं बंद करूंगा और बंद करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे हमें देखना है। यह ऊपर जो इसके शीशा लगा हुआ है, इस शीशे के माध्यम से ही मैं देख पाऊंगा अंदर, वरना बाहर इसको स्कोर नहीं छोड़ सकते। तो इस ढक्कन को मैं, ये जो मैंने कारक जो इस पे लगाया है, इस कारक को इसके अंदर ही खोलेंगे और इसके अंदर ट्राइकोडर्मा जो स्कोर हमारे हैं वो इसमें छोड़ूंगा मैं, ताकि फंगस, दूसरी फंगस इसमें प्रवेश न कर सके, फंगस जो है इसमें प्रवेश न कर सके। जी हाँ जी, हाँ जी। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, यह बॉक्स जो है ऊपर शीशा है, नीचे दो सुराख निकाले गए हैं, इन सुराख के अंदर ही मैं ट्राइकोडर्मा स्कोर जो है उबली हुई जवार के ऊपर छोड़ूंगा। तो आप कृपा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शीशे के माध्यम से किसानों को अगर आप दिखाना चाहें तो बहुत आपसे अनुरोध होगा। जी ये लो जी किसान भाइयों, आपको मैं कोशिश करता हूं दिखाने की, लेकिन मिट्टी बहुत है और इसको आप साफ कर लेते हैं ऊपर से। ये देखिए, ये राजा राम जी ने शुरू कर दिया है, इस डिब्बी को खोल दिया है क्योंकि बाहर थोड़ा सा खतरा रहता है कि दूसरी फंगस जो है हवा में मौजूद होती है वो फंगस अंदर ना जाए, और स्प्रिट लैंप से ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। ये स्प्रिट लैंप है, इसे दोबारा जलाया जा रहा है ताकि इसके ताकि इसमें मौजूद सारी फंगस जो है वो स्प्रिट के प्रभाव से, स्प्रिट की जो नीले रंग की रोशनी होती है उसके प्रभाव से जो है वो बाहर निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है आप ये भी कह सकते हैं। अब जो इस कल्चर में ट्राइकोडर्मा का कल्चर जो है, यानी जो उसका मूल है, उसको बाहर निकालने के लिए ये जो तीला है उसको ये स्प्रिट में से गुजारा जा रहा था, स्प्रिट लैंप की जो लो है उसमें से गुजार रहे हैं ताकि जो है वो फंगीसाइड से रहित हो जाए, फंगी फंगस जो है वो उसमें ना रहे, ना रहे। अब ये मैं आपको दिखा, देखो आप बोलते रहो कि अब जो है मैंने, ये देखिए ये उबले हुए ज्वार है, सफ़ेद ज्वार जिसको कहते हैं। अभी ये राजा राम जी इसमें इसको जो है जो कल्चर है उसका थोड़ा सा तीले से या उसको निकालेंगे और उस ज्वार में छोड़ेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से जो है फंगस है जिसे ट्राइकोडर्मा नाम दिया गया है, और ये ही आगे मल्टीप्लाई होंगे और इनकी संख्या जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और फिर इसको टाइम टू टाइम जो है, ये देखिए इस ज्वार के अंदर जो है इसे छोड़ा जा रहा है, ये अपने आप फिर, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ज्वार है उबाली गई है वो बाद में ठंडी की गई है, पहले से उबाली हुई थी इनके पास, तो उसमें ये देखिए हाथों का विशेष ध्यान रखें, दस्ताने रखें, और अब जो है ये फंगस इसके अंदर डाल दी गई है और ऊपर से ये कार्क जो है वो लगाई जा रही है, यानी ढक्कन लगाया जा रहा है। ये देखिए पूरी तरह से टाइट करना होता है इसको, जैसा कि राजा राम जी कर रहे हैं। बिल्कुल अभी राजा राम जी इसको अंदर ही रखा जाएगा। हाँ जी सर, अभी इसको अंदर रखा जाएगा। और अभी यूँ है कि ये 5-7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर जो है स्कोर जो है मल्टीप्लाई होंगे और ये जवाब के ऊपर जो है अपना घर बना लेंगे और वहाँ पे ये बंटवार होगी। तो जवार जो है आपकी पूरे ग्रीन कलर की हो जाएगी। okay. तो आप यूँ मान लीजिए कि आपका ट्राइकोडर्मा जो है बिल्कुल ओरिजिनल तैयार हो चुका है। ओके okay. हाँ जी सर, तो फिर उसका आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, फिर कैसे हाँ उसको आगे नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट, अगर आप मल्टीप्लाई आगे करते हो तो किसान भाई जो है इसको गोबर के अंदर, जी गोबर जो है मान लो कि आपको 1 एकड़ रकबे के अंदर अगर आपको गोबर डालना है, वो ट्राइकोडर्मा डालना है, तो आपको लगभग 2
से 2.5 किलोग्राम जो है ट्राइकोडर्मा स्पोर जो है आपके, आप लगभग 50 किलोग्राम गोबर जी के अंदर आप छोड़िए। पहले उसको इतनी उसमें नमी होनी चाहिए कि उस गो जो हमारी खाद है गली हुई जी गली सड़ी खाद का लड्डू बन जाए। ओके, तो आप यूँ मानिए कि आपकी खाद तैयार है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा पानी का छींटा दे, छींटा देने के बाद आपके पास जो ट्राइकोडर्मा आपने तैयार है आपके पास, उस ट्राइकोडर्मा को उस आपके 50 किलो गोबर जो आपने लिया है उसके अंदर आप ऊपर मिला दे, फैला दें पूरा उसके ऊपर, पूरा फैला दे, वह हाथों से थोड़ा थोड़ा मिला नहीं दे। आप 50 किलोग्राम गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा जो ज्वार के अंदर आपने मिक्स किया है, जो कल्चर बनाया है, वो कितना होना चाहिए? सर ऐसा है, वो ट्राइकोडर्मा जो अभी आप देख रहे हो जी, अगर ये आपके पास 100 ग्राम भी ऐसा है, बिल्कुल 100 ग्राम अगर ये ओरिजिनल होगा, अगर आप कहीं मार्केट से लेते हो जी ट्राइकोडर्मा जी, तो वो आपको 2 से 2.5 किलोग्राम की जरूरत होगी। और जो आप देख रहे हो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 ग्राम काफी होगा। ये आप खुद तैयार कर रहे हैं? हाँ, ये अपना तैयार किया हुआ है। हाँ। इसलिए इस दोस्तों इसमें एक चीज में राजाराम को जी को बीच में रोकते हुए आपको बताना चाहूंगा, जो ये कल्चर आप लोगों ने देखा था अभी जो डिब्बी के अंदर है, ये ओरिजिनल है, लैब से तैयार है, और इसी को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और इसके अंदर खास बात रहते हैं कि आधुनिक तरीका भी चाहिए और बहुत ही ज्यादा जो है जानकारी इसके लिए अपडेट पूरी तरह से होना चाहिए। दोस्तों परिवार के जो सदस्य हैं उनको भी राजाराम जी प्रशिक्षण पूरा दे रहे हैं ताकि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। ये उसी तरीके से है, तो ये इस तरह से बाजार का जो ये है आपको वो भी दिखाई देगा। और राजाराम जी आप ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में, बताइए क्या अंतर रहता है इसके अंदर। अच्छा किसान दोस्तों, यह आप जो ट्राइकोडर्मा देख रहे हैं यह हमारी मार्केट से खरीदा हुआ है जी। और हमारी मार्केट के अंदर जो अभी ये अलग अलग कंपनियों के भी आते होंगे, ये सुमितोमो कंपनी का है। ओके, और यह अगर आप खेत में डालते हो तो कम से कम आपको 2.5 किलोग्राम आपको पर एकड़ डालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यह कंपनी का कहना है जी। कंपनी बोलती है कि 2.5 किलोग्राम चाहिए। ओके, और यह हमारी सिरसा एक लेब है, राज्य लेब नियंत्रित प्रयोगशाला जी सिरसा की है, उसके अंदर यह ट्राइकोडर्मा तैयार किया हुआ है। अच्छा राजाराम जी ये क्या है, मैं देख रहा हूँ ये ट्राइकोडर्मा है, ये क्या चीज़ है जो अलग अलग लिफाफों में आपने जैसे लग रहा है जैसे जड़ी बूटियाँ डाल रखी हैं, क्या है ये? ये जड़ी बूटियाँ नहीं है। ओके, ये हमारी फसल के कपास के अवशेष है। ओके, ये कपास की लकड़ी जो है उसको चिप करके बारीक करके उत्तर करके उसकी हाँ उसका चिप करवा करके हम इसकी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं। Okay. यह आप देखोगे कि यह सबसे पहली हमारी जो है जैसा हमने कि चिप करवाया था तैयार हो चुकी है। आप ये देखेंगे कि यह बिल्कुल जो है नई यह चिप है ओनली। ओके, हाँ जी सर, अभी आप दूसरा लिफाफे के अंदर मैंने यह तारीख डाल रखा है 18/3/2021। ओके, अब मैं 18 तारीख को मैंने इसका एक सैंपल लिया था, या आप यह सैंपल देखोगे, यह हर 15 दिन के अंतराल पे एक सैंपल लेना पड़ता है। यह आप देखिए कितनी तैयार हो चुकी है, कितनी तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये शुरुआत इसकी कब की गई थी आपने? ये जो ओरिजिनल ये जो चिप दिखा रहे हो इसके, और ये जो दूसरा सेकंड जो स्टेप है यहाँ तक कितने दिनों बाद ये तैयार? ये 15 दिन के अंतराल का हम सैंपल लेते हैं। ये 3 तारीख से 15-18 तारीख को हमने सैंपल दूसरा ये सैंपल लिया है। ये देखिए दोस्तों,
राजाराम जी का कहना है कि जो चिप हम लोगों ने बनवाई थी और उसके तुरंत बाद जो है 15 दिन बाद के अंतराल के बाद में जो इन्होंने सैंपल लिया उसको आप देख सकते हैं, इसमें फंगस की तरह ये पूरी तरह से गल चुका है। और इसके बाद भी कोई स्टेप है? हाँ जी सर, हाँ अभी जो आप देख रहे हो आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने इस पर एक डाला हुआ है पूसा डीकम्पोजर। ओके, डीकम्पोजर जो है डाला गया था इसमें। हाँ, ये पूसा डीकम्पोजर का एक टन जो लकड़ी है, एक टन की अंदर से मैंने सैंपल लिया है। और दूसरा जो आप देख रहे हो, दूसरा सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है। और इस सैंपल को हमने, ये कंपोस्ट है। अच्छा, ये पूरी तरह तैयार हो चुकी है, जैव सूक्ष्म जीव। ओके, नहीं ये जैव सूक्ष्म जीव तो ठीक है, हाँ जी। लेकिन ये बताइए आप, इसका सैंपल है या ये अलग से कुछ है? ये अलग है। हाँ, तो ये आप बताइए ना, अलग से दूसरा डीकम्पोजर का सैंपल अलग है और सूक्ष्म जीव जो है हमारे, वो इनका सैंपल भी हमने 18 तारीख को, आप देखिए ये 18 तारीख जो है, 18 तारीख को हमने सैंपल जो है, 18 मार्च को, हाँ जी, 18 मार्च, ठीक है। तो ये डीकम्पोजर के जरिए ये अलग बनाया जा रहा है और ये अलग है। हाँ, ये सूक्ष्म जीवों के जरिए बनाई जा रही है, लेकिन ये दोनों ही लकड़ियां हैं? हाँ, दोनों ही लकड़ी है। अच्छा, एक साथ ही इन दोनों को तैयार किया गया? एक साथ तैयार किया है, दोनों का आप कंपैरिजन देखेंगे। हाँ, थोड़ा निकाल के दिखाएंगे इसको। हाँ जी, आप देखिए, देखिए दोस्तों, ये जो है उसके कंपैरिजन में बता रहे हैं, ये भी वही लकड़ी है और वो भी वही लकड़ी है। वो डीकम्पोजर द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन उसमें कुछ खुश्क दिखाई दे रहा है और कुछ कम गला हुआ है। लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव जिसमें छोड़े गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लगभग गल चुका है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये जो सफेद रंग आपको दिखाई दे रहा है कुछ, ये इनके सूक्ष्म के जीव है और ये अपने आप बढ़वार कर रहे हैं, वो एक प्रकार से फंगस की तरह तैयार हो जाते हैं। ये बढ़वार होती होगी आगे, जब जमीन में छोड़ेंगे तो वो भी अपना काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और इसको तैयार होने के अंदर लगभग जो है 60 से 70 दिन का समय लगता है। ओके, कंपोस्ट बनने में। हाँ जी। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये तो एक तो जो लंबी प्रक्रिया होती है, मतलब 3 ये समझ लीजिए पूरा साल भर लग जाता है, उससे कहीं जल्दी ये तैयार होता है। हाँ, है ना जी। इसका जो है, हम 15 दिन के अंतराल के अंदर एक सैंपल जो ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि 15 दिन के बाद जो ये सैंपल जो है हमारे नागपुर जाएंगे। ओके, नागपुर से इसकी टेस्टिंग होगी। ओके, कि इसके अंदर सूक्ष्म जीव ने कितना, मतलब के इस जो लकड़ी के अवशेष है उनको गलाने के अंदर कितना इनका योगदान था, कितना समय लिया है और कितना ये पूरी तरह तैयार हो चुका है जी। तो ये प्रक्रिया जो है लगभग 60 से 70 दिन चलेगी और हर 10 दिन के अंतराल पर इसका कंपोस्ट जो हमारी चिप जो है, हम जहाँ कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं उसको पलटी देना बहुत जरूरी है। चलो वो भी देखते हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गया इस कंपोस्ट के बारे में जानकारी, लेकिन इससे आगे का जो स्टेप है, जो जहाँ ये बनाते हैं उस प्लांट को भी हम विजिट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह राजा राम जी ने अपने घर पे, ये देखिए ये थोड़ी सी जगह है और यहाँ पर पूरी लैब इन्होंने तैयार की रखी है। और इतना ही नहीं बल्कि परिवार के लोग भी, ये देखिए साथ में है, मैडम भी है और मंजू जी, जिनसे आप परिचय करेंगे, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। ये भी परिचय के मोहताज नहीं है, और क्योंकि ये एक प्रगतिशील महिला किसान है। और ये देखिए, ये पूरा लैब हम लोगों ने आपको दिखाया है और अब चलते हैं साइट पर। तो दोस्तों, ये यहाँ पर जो कंपोस्ट खाद है राजा राम जी ने तैयार की थी, वो साइट हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए कमाल की कंपोस्ट यहाँ तैयार है। और ये देखिए, ये तरपाल के नीचे है, राजा राम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा राम जी बताइए इसके बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइएगा और शॉर्टली। जी, अच्छा ये बोर्ड भी लगा हुआ है राजाराम जी, ये बोर्ड किस चीज़ का है? ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड है, प्रदर्शन क्षेत्र इसको बोलते हैं। और ये कपास के पौधे के अवशेष से जैव संवर्धित कंपोस्ट खाद बनाने की त्वरित प्रक्रिया है, यानी बहुत जल्दी जो है कंपोस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो किसान भाइयों के पास कपास का जो कचरा होता है, कपास की जो लकड़ियाँ हैं,
वो उपलब्ध होती हैं, यानी बाहर से उन्हें केवल केवल जीवाणु लेकर के आने हैं, वो हम राजाराम जी से जानेंगे। और ये देखिए, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, केंद्रीय कपास प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय स्टेशन सिरसा, इनके द्वारा ये तैयार करवाया गया है राजाराम जी से। हाँ राजाराम जी, कंटिन्यू बताइएगा। हाँ किसान दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा, थोड़ी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी आपको। किसान दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये है, इसके नीचे जो है मैंने कपास का जो लकड़ी है उसका कुतरन करके मैंने रखा है। ओके। और इसमें डी कंपोजर ओके, जो आप सामने बोर्ड पे दिखाई, आपने देखा होगा वो लिखा हुआ, तो ये डी कंपोजर द्वारा तैयार किया हुआ है। ये देखिए, पूरा डी कंपोजर इसके अंदर डाला गया है ताकि इसको गलाया जा सके पूरी तरह से। और इसके अंदर सर जी ऐसा है कि इसमें 10% ओनली गोबर और डी कंपोजर ही डाला गया है। अच्छा, गोबर को इसमें मिलाया गया है, मिलाया गोबर का घोल बना करके 10% जो है गोबर, जैसे ये 1 टन लकड़ी है तो हमने 1 क्विंटल गोबर जो लिया है उसका घोल बना करके इसमें डाला है और डी कंपोजर। ओके, तो आप ये देखिए इसके अंदर अभी ये देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसमें तो भाप निकल रही है। हाँ, अभी इसके अंदर टेम्परेचर जो है लगभग 60-65 के करीब पहुंच चुका है। 60-65 डिग्री। हाँ जी। ओके, आप ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, भाप निकल रही है इसमें। भाप क्या, इसमें हाथ नहीं डाल सकते, इतना गर्म, इतना गर्म है ये। ठीक है, और इसका कंपैरिजन हमने किया है जो जो सूक्ष्म जीव वाले बता रहे थे। देखिए ये दोस्तों, राजाराम जी का कहना ये है कि दोनों को कंपैरिजन किया गया है और दोनों को एक ही जगह बनाया गया है ताकि समझा जा सके कि डीकंपोजर का इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ता है और जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसको कहां तक गलाते हैं, ये देखते हैं हम लोग। ये जीवाणुओं की खाद है दोस्तों। ओ राजाराम जी, इसमें इसमें तो जमीन आसमान का फर्क लग रहा है ना। आप ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों, ये सूक्ष्म जीवों से तैयार की गई है। सूक्ष्म जीवों से तैयार है सर, और ये भी अभी लगभग जो है 65-70 तक भी हो सकता है। ये इतना गर्म है, जैसे हम पशुओं को उबाल करके दाना देते हैं तो बिल्कुल वैसी ही इसके अंदर स्मेल भी आ रही है। स्मेल बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर हमने जैसे DAP, यूरिया और कास्टिक सोडा और बगीचे की मिट्टी और 10% गोबर भी हमने इसमें लिया है। ओके। हाँ जी, तभी ये इतना, मतलब कास्टिक सोडा भी डाला है। हाँ जी सर, कास्टिक सोडा इसमें डाला जाता है ताकि ये लकड़ी जो है इसके अंदर जो साइलोज होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। हाँ, और अपघटित हो जाए। हाँ, वो उसको गलाने के लिए थोड़ा डालना पड़ता है जी। तो अभी इस कंपोस्ट खाद को हम हर 10 दिन के बाद पलटी करते हैं। और कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? ये लगभग 60-70 दिन में तैयार हो जाएगा। और डीकम्पोजर जो हमने लिया है इसको 15 दिन के अंतराल पे हमने पलटी करना है। और 15 दिन के अंतराल पे दोनों के हम बराबर सैंपल लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि 15 दिन के अंतराल के अंदर हमारा जो है कंपोस्ट जो है कितना तैयार हो चुका है। ओके दोस्तों, ये जो कंपोस्ट और जो खादों के बारे में बताया गया था उसका परिणाम आप देख सकते हैं, ये हरा चारा है वो भी है, और उधर ये देखिए गेहूं के खेत है राजाराम जी के, पूरे लहलहा रहे हैं। ये हमेशा अपने खेतों में इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं।